Bismillahirrahmanirrahim. आज सनी बस 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 आज सारी दुनिया में यौमे यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। जैसा कि ख्वाजा इमरान नजीर साहब ने बताया, काजी हुसैन अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहली बार 5 फरवरी को यौमे यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान किया और तब से आज तक ये दिन पूरी दुनिया में कश्मीरियों के साथ यकजहती की अलामत बन चुका है। आज के दिन सबसे पहले हम अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों को ये पैगाम देते हैं कि उनकी आजादी, सलामती, तरक्की, खुशहाली और पायदार अमन तक कोई पाकिस्तानी ना पीछे हटेगा ना चैन से बैठेगा, क्योंकि कश्मीर की आजादी तहरीके पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। जब तक शाहरगे पाकिस्तान भारतीय फौज के तसल्लुत से आजाद नहीं हो जाती, जब तक कश्मीरियों को हतमी आजादी नहीं मिलती, पाकिस्तान की तकमील नहीं हो सकती। हमारे दरियाओं का पानी कश्मीर से बहकर आता है, उस पानी में कश्मीरी मुजाहिदीन का लहू शामिल है। कश्मीर पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। इस खित्ते में उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक भारत अपना गासबाना तसल्लुत कश्मीर से खत्म नहीं करता। अहले लाहौर के लोगों, आज का दिन निहायत अहम दिन है। आज मुझे महज अपोजिशन का किरदार अदा नहीं करना, बात हम करेंगे लेकिन हकाइक पर मोदी सरकार ने काले कवानीन के जरिए उसने कोशिश की कि कश्मीर का स्टेटस बदले। हमें निहायत अफसोस से ये मानना पड़ता है कि तहरीके आजादी कश्मीर की का वकील पाकिस्तान, उसने उसकी हुकूमत ने कोई मौसर किरदार अदा नहीं किया। सरीना होटल के बाहर अगर आप एक बोर्ड लगा दें और गिनती गिनना शुरू कर दें तो क्या आपने हक अदा कर दिया? कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दें तो क्या इससे कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार हो गया? माजरत के साथ मौजूदा हुकूमत कश्मीरियों का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ने में नाकाम रही है। और दूसरी बात, मुनकसिम पाकिस्तान, इंतशार से भरा हुआ पाकिस्तान, माशी तौर पर डुबकियां खाता पाकिस्तान, कश्मीरियों की आजादी का मुकदमा सर बुलंद करके शायद लड़ भी नहीं सकता। जो तजुर्बा किया गया, ये जो हाइब्रिड निजाम लाया गया, बुरी तरह नाकाम हुआ। आज इसको लाने वाले, इसको सपोर्ट करने वाले सोच रहे हैं कि हमने क्या गलती कर ली। सो वक्त आ गया है कि पाकिस्तानियों को भी अपनी राय के इजहार का आजादाना हक मिले। ये नहीं मुमकिन कि इस मुल्क में इंतखाबी नताइज को चोरी किया जाए,
यहां राय दही के हक को यरगमाल बना लिया जाए और आप कश्मीरियों की आजादी की बात करें, यह दो उंगली भी नहीं चल सकती। मैं ये कहना चाहता हूं कि खुशाइन बात यह है कि खुद हिंदुस्तान के अंदर से, जो कि एक कसीरुल मजाहब मुल्क है, सिविल मोदी सरकार और भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स जो हुर्रियत फिक्र की बात करे, जो गुलामी की जंजीरें तोड़ने की बात करे, जो जुल्म के खिलाफ बात करे, हम उसके शुक्रगुजार हैं और उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं। भारतीय हुक्मरानों को मालूम होना चाहिए, भारतीय सियासतदानों को मालूम होना चाहिए, भारतीय अवाम को मालूम होना चाहिए कि जितना वो कश्मीरियों के हकूक को गसब करेंगे, भारत को बतौर रियासत उतना ही नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि एक कसीरुल मजाहब मुल्क, एक सेकुलर मुल्क, अगर उसे इंटैक्ट रहना है तो वो बंदूकों, टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और लोगों का कत्लेआम करके इंटैक्ट नहीं रह सकता। आज का दिन कश्मीरियों की आवाज में आवाज मिलाने का दिन है। याद रहे कि मेरे और आपके कायद, इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी मुदब्बर और रहनुमा जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने मजाकरात के साथ कामयाबी से इस मसले के हल की कोशिश की। याद रखें कि बीजेपी का लीडर और भारत का वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी मियां साहब के दौर ही में बस पे बैठाया, मीनारे पाकिस्तान गए, पाकिस्तान की हकीकत को माना, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, उसमें तीन मरतबा कश्मीर का जिक्र है कि हम बातचीत से इस मसले को हल करेंगे, मगर उसके बाद कारगिल हो गया और सब कुछ खराब हो गया। इसलिए मुझे कहना यह है कि अगर हमने कश्मीरियों की आजादी का मुकदमा कामयाबी से लड़ना है, फिर पाकिस्तान को सरजमीन आइन बनाना पड़ेगा, फिर यहां आइन और कानून की हुक्मरानी लाना होगी, फिर इंसाफ के, अदल के निजाम को ठीक करना होगा, फिर मुल्क में जमहूरियत को चरके लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, फिर लोगों की उमंगों की तर्जबानी करने वाले रियासत को चलाएंगे, पाकिस्तान को चलाएंगे। अगर हम ऐसा कर लें तो कश्मीरियों की आजादी की मंजिल करीब आ जाएगी। याद रखें, कश्मीरियों ने नाकाबले फरामोश कुर्बानियां दी हैं और बुरहान वानी के बाद, उनकी शहादत के बाद, कश्मीर की तहरीक आजादी ने एक नई लहर ली है, एक टाइडल वेव है। कश्मीरी, नहित कश्मीरी अपने खून से, अपने जज्बे से लाखों मुसल्ला भारतीय फौजों की जारहियत का मुकाबला कर रहे हैं। वो पीछे नहीं हटेंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा फर्ज यह है कि हम उनकी आवाज में आवाज भी मिलाएं, उनकी इखलाकी और सियासी मदद भी करें और साथ ही साथ पाकिस्तान को मजबूत करें, दाखिली इंतशार पर काबू पाएं, फिर आजाद कश्मीर के रियासती इंतखाबात में झुरलू नहीं चलना चाहिए, फिर जोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए, फिर वहां पे लोगों की मर्जी के मुताबिक जिसे उन्हें मैंडेट दिया वैसी हुकूमत बननी चाहिए थी। यह इकदामात घटिया सियासत के लिए, छोटे से इकतदार के लिए कौमी मुफादात को दांव पर लगा देना और वसी तर कौमी मुफादात को नजरअंदाज करना, इस रविश को कबूल नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग के शेरों और शेरनियों, लाहौर के लोगों, पाकिस्तान के धड़कते दिल लाहौर के लोगों, आओ मिलकर हम एक बार फिर कश्मीरियों की आवाज में अपनी आवाज मिलाएं। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर, कश्मीर की आजादी तक, कश्मीर की आजादी तक, कश्मीर की आजादी तक।
बहुत शुक्रिया।